नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका M4D न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ अंशु। धनीशा राजपूत बाजार शुक्ल में शुक्रवार की रात चोरों ने कस्बा बाजार शुक्ल में हाथ साफ किया। राजेश गुप्ता की दुकान जो लोहे की है, बीती रात शुक्रवार को उनके घर में चोर ऊपर से घुस गए और बिजली न होने के कारण चोरों ने घटना को अंजाम दे डाला। ये लोग ऊपर तीसरी मंजिल पर सो रहे थे और पीछे से दीवार फांद कर दाखिल हो गए। करीब रात 12:40 पर 3 लाख नकदी और 2.5 लाख रुपए की जेवरात उठाकर ले गए और किसी को भनक तक नहीं लगी। दिखाते हैं पूरी खबर। आपको बताते चले कि करीब इनका घर थाना बाजार शुक्ल से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है। पुलिस प्रशासन रात में गश्त पर नहीं होता, इसी लापरवाही का फायदा चोरों ने उठाया। थाना बाजार शुक्ल के थाना अध्यक्ष व उनके पुलिस टीम के बारे में जानकारी की गई तो मालूम पड़ा कि रात को गश्त और सायरन काफी दिनों से नहीं देखने को मिला। अब आपको बताते हैं कि जब पुलिस प्रशासन की लापरवाही इसी तरह रहेगी तो और भी घटनाएं बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। उस पर क्या कुछ हो रहा है और आगे पुलिस प्रशासन इसी तरह लापरवाही बरते, पुलिस द्वारा अपराधियों पर अंकुश लगाने की जो मुहिम चल रही है वह फेल होती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार और पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। अमेठी से आशीष शुक्ला की रिपोर्ट। पूरा नाम बताओ। क्या नाम है? राजेश कुमार। पिता का क्या नाम है? सिद्धेंद्र गुप्ता। घर कहाँ है? कटरा जोरा है। अच्छा, दुकान किस नाम से है? राहुल मशीन स्टोर। राहुल मशीनरिंग स्टोर। तो ये आपके यहाँ चोरी हुई है? हाँ। रात में आप लोग कहाँ लेटे थे? हम लोग तीसरे मंजिल पे उसको लेटे थे। अच्छा अच्छा, तो ये कोई पूछने आया था या कोई किसी के ऊपर शक है आपको? जो देखा नहीं तो कैसे समझे? देखा नहीं ले सकते कैसे। तो आप लोग कहाँ सो रहे थे? हम लोग तो सेवन में सोते हैं, जो लड़के हमारे आगे रहे कमरे में लेटे। तो ये चोर किधर से आए? आगे पीछे से। पीछे से आए, इधर दीवार फांद गया है, मकान है, उन्हें मकान से चढ़ के। FIR किया आपने? अभी नहीं। क्यों? अब घंटा बाद किसी जेल पंडित की चल नहीं सकते। पुलिस आई? पुलिस आई। पुलिस आ गए? क्या बोल रहे? 100 नंबर पुलिस आई रहा, अपन लेके फार्म लिख के लेके गए। मिश्रा जी आए थे। अच्छा अच्छा, कितना आपका नुकसान हुआ? लगभग 3.5 लाख हुआ नगद। हाँ, जेवरात से। जेवरात कितना? जेवरात था, जेवरात चैन था, अंगूठी थी। हाँ, कड़ा था, पायल था। अच्छा, लगभग कितने के था भैया? कम से कम 2 लाख के रहा। 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख वो नगद कितना गया? 3.5 लाख। 3.5 लाख यानी कि 5.5 लाख। 5.5 लाख रुपये का नुकसान हुआ आपका। ये किसी को पता नहीं था? नहीं पता। अच्छा अच्छा, क्या नाम आपका है? राजेश कुमार। घर कहाँ है? कटरा जोरा। दुकान करते हो क्या? हाँ, लोहे की दुकान। किस चीज़ की? लोहा हार्डवेयर। किस नाम से दुकान है? राहुल मशीन। अच्छा अच्छा, राहुल मशीन स्टोर। चलिए ठीक। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल M4E न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज टाइम से मिलती रहे। आप अपने सुझाव हमें जरूर दें।